दोस्तों केजीएफ 2 के बाद फिल्म के तीसरी पार्ट का चर्चा शुरू हो चुकी है। यश ने कहा कि उन लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज हैं जिन पर वो आराम से केजीएफ 3 बना सकते हैं, मगर अब खबर ये आ रही है कि यश शायद केजीएफ 3 में काम ना करे। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें केजीएफ फेम एक्टर की तरह ब्रांड कर दिया जाए, वो अलग अलग तरह के फिल्मों में काम करना चाहते हैं। ई टाइम्स के एक रिपोर्ट्स की माने तो केजीएफ 3 में यश फुल फ्लेज्ड रॉकी भाई के कैरेक्टर में नहीं दिखलाई पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों यश नहीं चाहते कि उन्हें सिर्फ केजीएफ की वजह से जाना जाए। उन्होंने केजीएफ सीरीज के दो फिल्मों के लिए अपने जीवन के 5 बेशकीमती साल खर्च किए हैं, इसीलिए वो केजीएफ फ्रेंचाइजी से ब्रेक लेना चाहते हैं। यश केजीएफ 3 में काम नहीं करेंगे, मगर वो अपने करियर में आगे भी उसी तरह के रोल करेंगे जिसमें ऑडियंस उन्हें पसंद करती है। दोस्तों केजीएफ 2 के बाद यश का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, मगर बताया जा रहा है कि वो जो भी करेंगे वो मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट होगा। जहां तक केजीएफ 3 की बात है तो प्रोडक्शन कंपनी होमले फिल्म्स के विजय किरंगुदुर ने कहा था उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी डायरेक्टर प्रशांत नील अन्य फिल्मों में व्यस्त है। उन्होंने सलार का काम पूरा कर लिया है, अब वो NTR 31 पर काम शुरू करेंगे। विजय किरंगुदुर का कहना है कि अगर केजीएफ 3 बनती भी है तो उस पर 2025 से पहले काम शुरू नहीं हो पाएगा। बाकी दोस्तों रॉकी भाई के इस विचार के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।